अस्सलाम वालेकुम। कराची के रिहायशी सिक्योरिटी गार्ड की दो नौजवान बीवियां घर से लापता। अजीब व गरीब वाकये पर शहरी हैरान रह गए। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं? खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची में एक इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पेपरी अली मोहम्मद गोट के रिहायशी सिक्योरिटी गार्ड रहमतुल्ला की दो बीवियां पुरिसरार तौर पर लापता हो गई। बिन कासिम पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमा रहमतुल्ला ने पुलिस को बयान दिया है कि वो सिक्योरिटी गार्ड है और उसने दो शादियां की हुई हैं, जिसमें 27 साल पहली बीवी हीर और दूसरी बीवी 25 साल आबिदा है। दोनों बीवियां मेरे साथ एक ही घर में रहती हैं। 10 मार्च को वो सुबह 7 बजे अपनी ड्यूटी पर चला गया और जब वापस शाम 5 बजे के करीब घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर गया तो दोनों बीवियां मौजूद नहीं थी। इस्माइल और सिद्दीक मेरी दोनों बीवियों को बेला फुसला कर ले गए। पुलिस से मुकदमा नंबर 106 साल 2024 बजुर्म दफा 496-34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।